हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर हमारे पास रहने वाला है एंजाइम वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसके बीच में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वीमैक्स और केएम को लेके काफी प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एंजाइम वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के रिलेशन को समझेंगे और एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे वीमैक्स और केएम को लेके। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसमें हम लोग वीमैक्स और केएम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक की डिटेल में लेके जाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक बीकर है, मेरे पास एक ये बीकर है और इस बीकर में मेरे पास वाटर है या जो भी है कोई सॉल्वेंट है, ठीक है। इस सॉल्वेंट के अंदर मेरे पास काफी सारे एंजाइम प्रेजेंट है, काफी सारे क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है। क्लियर, इस तरीके से एंजाइम प्रेजेंट है जिसमें कि ये एक जो एंजाइम है, इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है। ये क्या है हमारे पास, एक्टिव साइट है। क्लियर, ये एक्टिव साइट है। अब जरा आप ये देखिए, हमारे पास सबस्ट्रेट जो होगा, हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा वो एक्टिव साइट पर आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, बहुत सारे एंजाइम है सोल्यूशन में और हमारे पास उससे भी ज्यादा सबस्ट्रेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। उससे भी ज्यादा हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब एक चीज समझिए आप, ये जो सबस्ट्रेट हमारे पास है, इसकी हमारे पास कोई आईज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई आईज है और ये एंजाइम को देख सकता है। क्लियर, ये एंजाइम को ऐसे देख नहीं सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर आ रहा है तो वहां पर उसका आना एक रैंडम डिफ्यूजन होगा। एक रैंडम क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, मींस कि वो उस तक आए, ये प्रोसेस एक रैंडम डिफ्यूजन की वजह से होगा। ये चीज समझिए, मींस कि सबस्ट्रेट और एंजाइम, सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एक बाई चांस इवेंट है। एक क्या है, एक तरीके का वो बाई चांस इवेंट है। बाई चांस इवेंट का मतलब वो लग भी सकता और नहीं भी लग सकता, बट जो सबस्ट्रेट मूव करता है, सबस्ट्रेट जो मूव करता है किसके पास, मूव टू एंजाइम, कैसे मूव करता है, बाई डिफ्यूजन। कैसे मूव करता है, बाई डिफ्यूजन, मींस सबस्ट्रेट क्या करता है, डिफ्यूज करता है। सबस्ट्रेट क्या करता है, डिफ्यूज करता है। सबस्ट्रेट क्या करता है, डिफ्यूज करता है किस पे, एक्चुअल में एक्टिव साइट की तरफ, और वो बेसिकली क्या करता है, बाइंड करता है एक्टिव साइट पर। पर सबस्ट्रेट एंजाइम को देख नहीं सकता, तो इसका मतलब ये प्रोसेस एक तरीके से रैंडम होगा। अब हम ये समझते हैं, इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि जितना ध्यान से देखेंगे इसे हम लोग, जितना ज्यादा ध्यान से देखेंगे, ये जो मेरे पास मान लीजिए एंजाइम है, ये मेरे पास एंजाइम है। क्लियर, ये मेरे पास एंजाइम है यहाँ पर, ठीक है, और ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। क्लियर, हमने कहा था सबस्ट्रेट का बाइंडिंग एंजाइम पर एक रैंडम प्रोसेस है। क्लियर, एक रैंडम प्रोसेस है और फिर उससे हमारे पास प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, मींस वो फाइनली कन्वर्ट होता है हमारे पास किसमें, ये प्रोडक्ट में। क्लियर, तो एक रैंडम प्रोसेस है और ये प्रोसेस कैसे कंट्रोल होता है, हम कहते हैं ये एक तरीके का डिफ्यूजन है। एक तरीके का क्या है, ये डिफ्यूजन है। क्लियर, अब जरा ये सोचिए, जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मींस जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन होगी। मींस अगर मैं बात करता हूं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई होगी उतनी फास्टर हमारे पास क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। और जितनी फास्टर हमारे पास डिफ्यूजन होगी, उतने ज्यादा हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन में, मैंने कहा था ये बीकर के अंदर प्रोसेस चल रहा है, इस बीकर के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास ये एंजाइम है, मेरे पास ये बहुत सारे एंजाइम है इस बीकर के अंदर मेरे पास बहुत सारे एंजाइम है। क्लियर, और इसके पास हमारे पास, हमने इसमें सबस्ट्रेट लिए हुए, इसमें हमने क्या लिए हुए हैं, सबस्ट्रेट लिए हुए, इसमें हमने क्या लिए हुए हैं,
हमने एक तरीके से क्या लिए हुए हैं, सब्सट्रेट लिए हुए, क्लियर। इसमें हमने क्या लिए हुए, सब्सट्रेट लिए हुए। तो जो मैंने यहाँ पर सब्सट्रेट लिए हुए, जो मैंने यहाँ पर सब्सट्रेट लिए हुए वो ये है, क्लियर। वो मेरे पास ये रहे, ठीक है। जरा देखिए, ये सब्सट्रेट है, तो जितने ज्यादा सब्सट्रेट होंगे उतना चांस बढ़ जाएगा एंजाइम की तरफ डिफ्यूज करने का। अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं, उतना ज्यादा चांस होगा किसका, डिफ्यूज करने का, और उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, देखिए साइन कंसंट्रेशन का है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। मतलब जितनी ज्यादा सब्सट्रेट कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का मतलब कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है हमारे पास पर यूनिट टाइम में, तो उतना फास्ट मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो आप एक चीज समझिए, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ रही है, क्लियर। और उस वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लियर। अब जरा इस बात को ऐसे समझते हैं, अब इस बात को सेकेंड स्टेज पर लेकर जाते हैं। कैसे, मैंने कहा ये एंजाइम है हमारे पास, ये एंजाइम्स है हमारे पास, ये रे एंजाइम्स, क्लियर, ये एंजाइम्स है, ये सब्सट्रेट है। मैंने कहा जितने ज्यादा सब्सट्रेट होंगे उतना फास्ट हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूजन, उतना फास्ट क्या होगा, डिफ्यूजन, क्लियर, उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा, क्लियर, उतना फास्ट हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूजन, जितने ज्यादा सब्सट्रेट होंगे। पर आप एक चीज समझिए, हमारे पास एंजाइम्स का नंबर, एंजाइम्स का जो नंबर है वो एक तरीके से फिक्स है। इस चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एंजाइम पर जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है, उसका नंबर फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि एंजाइम अनलिमिटेड है, क्लियर। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी एक्टिव साइट फुलफिल हो जाएंगी, मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फर्दर इंक्रीज करूंगा, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस इनिशियली जब सारी एक्टिव साइट नहीं भरी है, मींस ये मान लीजिए मैं 3 एक्टिव साइट बना रहा हूं, सारी एक्टिव, या 4 बना रहा हूं, सारी एक्टिव साइट नहीं भरी है, तो इनिशियली इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन इंक्रीज बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, ये कर सकता था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पर अगर इनिशियली ऐसा होता था, पर अगर हमारे पास ध्यान से समझे इस बात को, अगर हमारे पास, हमने बोला अगर हमारे पास ये एंजाइम के नंबर फिक्स है, तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा आप कितना भी सब्सट्रेट बढ़ा लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी एंजाइम की एक्टिव साइट काम कर रही होंगी, क्लियर। तो हम इसको अगर एक ग्राफ की फॉर्म में शो करें, जिस बात को मैंने बोला, मैं रिपीट कर देता हूं, एंजाइम और सबस्ट्रेट का मिलना कैसे होता है, डिफ्यूजन से, क्लियर, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन किस बात पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। लेकिन क्योंकि एक्टिव साइट फिक्स है, एक्टिव साइट का क्या फिक्स है, नंबर फिक्स है, नंबर हमारे पास फिक्स है, इसका मतलब ये हो गया कि एक टाइम के बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से हमारे पास नो इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जरा इस बात को हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसको लेकर, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसे, किसको लेकर, हम बेसिकली दो पैरामीटर्स को लेकर, एक तरफ लेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहां हम ले रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्लियर, और यहां हम ले रहे हैं वेलोसिटी। इस एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, क्लियर। और अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूं एंजाइम की सिचुएशन, तो ये रहा, ये एंजाइम है आपके पास, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, जो किस में प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, और हमारे पास ये एंजाइम है, और यहां पर ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, क्लियर, ये सबस्ट्रेट है। तो हमने ये बोला कि जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, एंजाइम की वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी,
पर एक टाइम ऐसा आएगा ये ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। रीजन ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे वी मैक्स। नाउ व्हाट इज वी मैक्स? अब जरा वी मैक्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज वी मैक्स? वी मैक्स है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। व्हाट इज वी मैक्स? इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। इस मैक्सिमम वेलोसिटी का मीनिंग क्या हो रहा है? इसका मीनिंग ये है कि ये वो वेलोसिटी है, ये एक्चुअल में वो वेलोसिटी है जिस पे हमारे पास सारी एक्टिव साइट, ऑल एक्टिव साइट्स गेट ऑक्यूपाई। मतलब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट काम कर रही होंगी, ये सारी साइट्स हमारे पास काम कर रही होंगी, सब पर सबस्ट्रेट लगा होगा, उसे हम कहते हैं वीमैक्स। इसमें क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम वी कैन नॉट इंक्रीज वेलोसिटी फर्दर। आप इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको बढ़ाना है तो एंजाइम बढ़ाने पड़ेंगे, और ऑप्शन नहीं है। तो ये सारे एंजाइम जो हैं वो मैक्सिमम वर्क कर रहे होंगे, उसे वीमैक्स कहते हैं। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है कि जिस कंसंट्रेशन पर, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ ऊपर जाके इस पॉइंट पर ऐसा हो गया, तो वी कैन नॉट फाइंड अ सिंगल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे वी मैक्स अचीव हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं एक सिंगल पॉइंट नहीं ला सकता। वी कैन नॉट फाइंड अ सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान से सुने, वी कैन नॉट फाइंड अ सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच बेसिकली वी मैक्स इज अचीव्ड। जिसपे वी मैक्स अचीव हुआ वो कंसंट्रेशन नहीं फाइंड कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस वी मैक्स का हाफ ले लेंगे। मतलब हम ये वैल्यू, ये पॉइंट ए ले लेंगे। तो पॉइंट ए एक्चुअल में क्या है, जिसे मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ वी मैक्स। क्लियर? और वहां से लाइन एक्सटेंड करेंगे और यहां पर लाकर हम के एम लिखेंगे। तो व्हाट इज के एम एंड व्हाट इज वी मैक्स, अगली स्लाइड में देख लेते हैं जरा फटाफट से। जो हमने बात की, हमने इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट किया। क्लियर? ग्राफ को प्लॉट किया हमने इस तरीके से, जिसमें हमने कहा ये स्टेट जाएगा ऐसे और फिर ये ऐसे बेंड कर रहा है। क्लियर? इस तरीके से बेंड कर रहा है। क्लियर? यहां पर इस एक्सिस पर वेलोसिटी है और इस एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था जिसको मैंने ऐसे लिखा था और इसको वी से लिखा था। क्लियर? मैंने कहा था कि एक पॉइंट आएगा जिसपे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, वो पॉइंट ऐसे आया, तो इस पॉइंट को यहां पर वी मैक्स कह रहे हैं। तो व्हाट इज वी मैक्स? वी मैक्स का मतलब ऑल एक्टिव साइट, एंजाइम की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई है, उसे वी मैक्स कह रहे हैं। फिर व्हाट इज के एम? व्हाट इज के एम? देखिए जरा, मैंने क्या किया, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, अगर मैं यहां पर कोई सिंगल वैल्यू नहीं ला पा रहा हूं जिसपे वी मैक्स अचीव हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसका हाफ ले लूंगा यहां पर। तो हाफ ऑफ वी मैक्स यहां आएगा, मान लीजिए पॉइंट ए। तो व्हाट इज पॉइंट ए? इट इज हाफ ऑफ वी मैक्स। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ये वो पॉइंट है, मान लो 100 एंजाइम है, तो 100 एंजाइम में से 50 ऑक्यूपाइड है, ये हाफ ऑफ वी मैक्स है। क्लियर? आधे एंजाइम काम कर रहे हैं, और उसको मैं अगर ऐसे एक्सटेंड करके मिलाऊंगा तो सबस्ट्रेट पर वैल्यू आएगी के एम। व्हाट इज के एम? के एम क्या हो गई? के एम किस एक्सिस पर? इस एक्सिस पर। ये एक्सिस कौन सा है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज के एम? इट इज दैट वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट, ये वो वैल्यू है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, एट विच वेलोसिटी इज half of v max।
मतलब आधे एंजाइम ऑक्यूपाई होंगे केएम पे, क्लियर, केएम पे। तो केएम और वीमैक्स आप ये समझिए कि केएम किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, रिलेटेड टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्लियर। और वीमैक्स किससे रिलेटेड है, वीमैक्स रिलेटेड है किससे, कितनी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड है, कितनी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड है इससे रिलेटेड है। मतलब वीमैक्स का मतलब सारी ऑक्यूपाइड है। अब जरा इस चीज का एक एनालाइजेशन देखिए। मैं ये कहता हूं आपसे, मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए टोटल एक एंजाइम है, ये यहां पर मेरे पास पांच एंजाइम दे रखे हैं, क्लियर, पांच एंजाइम दे रखे हैं हमारे पास। मान लो इस पांचों को बाइंड कराने के लिए केएम जो है, हमें कंसंट्रेशन ले लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि 20 म्यू मोल मुझे सबस्ट्रेट चाहिए, 20 म्यू मोल चाहिए। अगर एक और दूसरा कोई एंजाइम है, अलग पांच एंजाइम है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के पांच एंजाइम है ऐसे, ये डिफरेंट टाइप के पांच एंजाइम है ऐसे। अब इन पांच के लिए केएम की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 15 म्यू मोल, ऐसा कुछ दे रखा है पर लीटर, ऐसा कर लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं, कोई जरूरत नहीं यूनिट की। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो अच्छा एंजाइम कौन सा होगा, बेटर एंजाइम कौन सा होगा जिसका केएम लो होगा, क्योंकि कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर आधे एंजाइम, मान लीजिए 5 की जगह इसे 6 कर लेते हैं, हाफ एंजाइम ऑक्यूपाई हो जाएंगे। मतलब इनमें से तीन एंजाइम को ऑक्यूपाई करने के लिए मुझे ये कंसंट्रेशन चाहिए, और यहां पर इन तीन को ऑक्यूपाई कराने के लिए मुझे ये कंसंट्रेशन चाहिए। तो यहां पर केएम की वैल्यू लो है। बेटर एंजाइम वो होता है, बेटर एंजाइम वो होता है जो कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। बेटर एंजाइम कौन सा है, बेटर एंजाइम वो होगा जो कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, मींस लोअर वैल्यू ऑफ केएम पर ज्यादा विलोसिटी दे दे, मोर विलोसिटी दे। मोर विलोसिटी दे का मतलब हाफ एंजाइम्स को ऑक्यूपाई करा ले। अगर मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाऊं, ग्राफ के थ्रू दिखाऊं, तो अगर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाता हूं दो, और दो एंजाइम की एक्टिविटी दिखाता हूं ऐसे, क्लियर, जिसमें नियरली सेम मेरे पास वैल्यू आ जाए, अगर अगर मैं उसमें कहूं कि इनकी जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है हमारे पास, इनकी जो वैल्यू है इसकी, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास वी मैक्स है, मान लो दोनों का सेम है, दोनों का वी मैक्स यहां पर सेम है, क्लियर, वीमैक्स सेम है, इसका मैं केएम निकाल रहा हूं तो यहां पर आ रहा है, इसका मैं केएम निकाल रहा हूं तो यहां आ रहा है। मैं कहूंगा अगर मान लो ये इसका केएम है, ये इसका केएम है, क्लियर, ये पी एंजाइम है और ये क्यू एंजाइम है। अगर यहां पर केएम वैल्यू मैं कहता हूं, ये केएम वैल्यू हाई है और ये केएम वैल्यू लो है, मींस ये एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है, मींस लोअर इज केएम, मतलब कम केएम का मतलब क्या हुआ, कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर, कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ज्यादा वेलोसिटी देगा। तो लोअर इज केएम, मोर एक्टिव इज एंजाइम। जैसे अगर आप इसी ग्राफ में, मैं एक और ग्राफ प्लॉट कर लूं, आपको दो ग्राफ साथ बना के दिखाऊं, तो आपको ये समझ आएगा, ये समझ आएगा। देखिए जरा, ये मैंने एक ग्राफ ये प्लॉट कर दिया और एक ग्राफ मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले का, इस ये ए है और बी है, तो जो ए वाले का है उसका केएम लो आएगा, उसका केएम यहां पर आएगा कहीं, और बी वाले का जो केएम है वो कहीं यहाँ आएगा। ये बी का केएम है और ये ए का केएम है। तो जितना केएम लो होता है, लोअर इज केएम बेटर इज एंजाइम, उतना ज्यादा बेटर होता है एंजाइम, उतना ज्यादा एंजाइम बेटर है। मतलब जितना ज्यादा केएम लो है उतना ज्यादा एंजाइम क्या है, बेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको कुछ बेसिक समरी याद होनी चाहिए। फर्स्ट, वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, उस पे मैक्स सारे एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो सकती है। अब आप सबस्ट्रेट बढ़ाओ, फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी पे। नाउ व्हाट इज केएम, केएम इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच वेलोसिटी इज हाफ ऑफ वी मैक्स। मतलब केएम वो वैल्यू है जिसपे वी मैक्स जो है वो उसकी आधी वेलोसिटी है, मतलब हाफ एंजाइम ऑक्यूपाई है। हाफ एंजाइम क्या है, ऑक्यूपाई, क्लियर।
जितना ज्यादा लो केएम होगा उतना बेटर एंजाइम होगा। क्लियर? अगर केएम वैल्यू बढ़ती है तो एंजाइम को काम कराने के लिए ज्यादा सब्सट्रेट चाहिए। मतलब पहले सेम एंजाइम के लिए, मान लो ये चार एंजाइम है, 10 सब्सट्रेट से काम हो पा रहा था, अब चार एंजाइम के लिए 20 सब्सट्रेट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब केएम इंक्रीज हो गया। तो ये डिस्कशन था केएम और वीमैक्स में। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस केएम और वीमैक्स को रिलेट करेंगे किससे? इनहिबिशन से, एंजाइम इनहिबिशन से, कि उसमें केएम और वीमैक्स का क्या होता है, ये उससे रिलेट करेंगे। क्लियर? क्योंकि इसके बिना वो समझ नहीं आएगा। तो वहां रिलेट करेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वैल्यू ऑफ केएम एंड वीमैक्स क्या होती है, चेंज होती है, नहीं होती है, उन पर हम डिस्कस करेंगे।